वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मनाए। हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। थैंक यू सर वंस अगेन। तलत हुसैन साहब के आर्टिकल की तरफ अगर आएँ बिफोर ट्राइंग टू रैप अप, ये फ्यूचर वॉर ऑन टेरर का हमारा क्या होगा, क्या रुख लेंगे और इसका हमारी मईशत पर क्या असरात हैं, कल बजट है, वो लगभग ये कहते हैं कि डिमांड हमारे मुल्क में डिमांड जो है तलब और रसद दोनों हैं दहशतगर्दी की। तलब इसलिए है इसलिए कि यहाँ पर सारी दहशतगर्दी की ज़रूरत है, पड़ोस में अफगानिस्तान है, सारे जंगजू हमें चाहिए। रसद इसलिए है इसलिए कि सारे जंगजू हमें चाहिए, तो हर जगह से पूरी दुनिया से उठ के आ रहे हैं। उनके ख्याल में बॉर्डर पुलिस की हमारे पास बॉर्डर पुलिसिंग की हमें ज़रूरत है, तो वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम सारी बंदूकें मकार दुश्मन की तरफ करके खड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया हमारा सबसे बड़ा एनमी है और शायद ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक और डिबेट होनी चाहिए। हम हक्कानी ग्रुप को मारें या ना मारें, अगर मारेंगे, अगर उनको एक्टिवली परस्यू करेंगे, उनके सेल्स को अटैक करेंगे, तो उनके स्लीपर सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगे, फिर पता नहीं क्या फसाद बर्पा होगा। तो मसूद साहब, डैम्ड इफ़ यू डू डैम्ड इफ़ यू डोंट, तो व्हाट शुड वी डू? देखिए, ये तो जो लोग, मतलब ये कि अगर आप समझते हैं कि आप जंग हार ही गए हैं या आप मतलब ये कि कामयाब हो ही नहीं सकते, तो अगर ये एटीट्यूड आपका है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सोच जा रही है वो ये है कि हम लाचार हैं, हम बेबस हो गए हैं और हमारे पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं है, चूँकि अगर हम ये करें तो ये होगा और ना करें तो ये होगा। देखिए, होता ये है कि इस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मल्टीपल चैलेंजेस हैं और बहुत संगीन चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। असल जो इस वक्त प्रॉब्लम हमारी हुई है कि हमारे दिमाग में इतना इबहाम है, हमारे पास कोई क़यादत नहीं है जो कि लीड कर सके। हमें ये सोचना है कि हम जो पॉलिसी अख्तियार करें, मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये कहें कि हम दहशतगर्दों को, उनकी जगह हमारे मुल्क में कोई नहीं है, हम तालिबान को कोई पनागाहें देंगे ही नहीं, इस वजह से कि ये मुल्क आज़ाद मुल्क है, एक इसकी खुद मुख्तारी को किसी को हम पामाल करने नहीं देंगे और हमारा मुल्क जमहूरी है। अगर किसी को हमसे इख्तलाफ है सियासी लिहाज से या कोई और पॉलिसी से, तो वो आप जमहूरियत के ज़रिए वो आए, अगर किसी और तरीक़े से वो हमें चैलेंज करता है और रियासत को चैलेंज करता है, तो फिर उसका मुकाबला जो है वो सिर्फ वो होगा, उसके ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी किस्म से हो, काउंटर इंसर्जेंसी से हो या कन्वेंशनल वॉर से हो, जैसे भी मुनासिब होगा, लेकिन हम अपनी अमलदारी अपनी रियासत पर कायम करेंगे और कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जिसमें पना कहाँ रह सकती हैं। ठीक है, हम उसमें तरजीहात दे सकते हैं, अगर हमारी फ़ौज जो है ओवर स्ट्रेच्ड है या इस वक्त कई और जगहों पर मुलविस है, तो जाहिर है नतीजे चूँकि हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हम तरजीहात की बिना पर इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी जो है उनमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये कहना कि हम अफ़गानिस्तान की वजह से या अमेरिका की वजह से अपने इलाके को खाली नहीं कर सकते, ये मेरे ख़्याल में मैं इस पर एग्री नहीं करता। दूसरी बात यह है कि आपने ये देखना है कि हर चीज़ में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, यानी मतलब उसका एक मनफी भी पहलू होता है और एक मुस्बत भी पहलू होता है। तो लीडर्स का और कायदीन का ये फ़र्ज़ होता है कि ये देखें कि तवाज़ुन करें कि इसमें बैलेंस करके कि इसमें फ़ायदा किस पॉलिसी में है, वो पॉलिसी जो है वो इख्तियार करें। एक तो ये है कि आप किसी सूरत में इस वक्त जिहादी एलिमेंट्स को की हिमायत नहीं कर सकते। आप तालिबान की, अफगान तालिबान अगर पाकिस्तान में आए या अलकायदा पाकिस्तान में आए, तो आप कोई सवाल नहीं पैदा होता कि आप उनको किसी किस्म की उनकी हिमायत करें। ये ज़रूर है कि अगर आपकी इतनी साग है कि आप बातचीत के ज़रिए मामलात अफ़गानिस्तान में उनकी मदद कर सकें, तो वो एक स्टेट पॉलिसी के तौर से ज़रूर आप अपनाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी जो जंगजू क़ुतें इस पर तैयार हैं कि बातचीत के ज़रिए वो सियासत में वापस आ सकती हैं और एक अच्छे शहरी की तरह रह सकती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि जो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त ये हालात पैदा हुए हैं और इतनी ज़्यादा ये तालिबान और दूसरी क़ुतें पैदा हुई हैं,
तो वो बुनियादी जो वजूहात हैं उनके ऊपर उनका आप हल निकालें। अगर आप हल नहीं निकालेंगे, मसलन रोज़गार के मौके हुए, आपने जो उनके साथ ला ताल्लुकी बरती है बरसों से कबाइली इलाकों में, आप कभी कोई आपने वहाँ डेवलपमेंट वर्क नहीं की, वहाँ आपने तालीम नहीं की, FCR को आपने चेंज नहीं किया, इसी तरीके से अपने पूरे मुल्क में भी आपने जिस तालीम फराहम नहीं की, आपने वो मौके नहीं फराहम किए जो कि एक ज़िंदा कौम को करने चाहिए थे, तो ज़ाहिर है फिर आपने देखा कि इस किस्म की क़ुव्वतें जो हैं उभर के आई हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन तमाम चैलेंजेस को हम इन पर उबूर हासिल करें, और ये एक बहुत बेहतर सबसे अच्छा मौका इस वजह से है कि हमें इतने धचके पड़े हैं और इतनी इस वक्त ज़रूरत है कि तमाम मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो मुत्तहद हों, लेकिन मुत्तहद ये इस वजह से हों कि इन पर उबूर हासिल किया जाए, ना कि अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए हम मुत्तहद हों। अगर हमने छुपाने के लिए ये किया और एक तरीके से शेल में वापस चले गए, और जैसे आपने पहले बिल्कुल अच्छी तौर से जिक्र किया उन चीज़ों का और उस माइंडसेट का कि हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं, आप दूसरों पर इल्ज़ाम ना डालें, सबसे पहले आप अपना घर को देखें, घर को बेहतर करें, यहाँ के हालात को बेहतर करने की पूरी कोशिश करें, और दुनिया आपका मैं कहता हूँ कि हिमायत करेगी, इसलिए कि इस वक्त दुनिया में तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि ये खत्ते में इस्तेहकाम आए। ये बिल्कुल गलत फहमी है जो लोग ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है ये चाहती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वगैरह जो है बिल्कुल गैर मुस्तहकम हो। गैर मुस्तहकम होने से किस किस्म किस तरीके से उनका फ़ायदा होगा, उनको तो सख्त नुकसान होगा। एक न्यूक्लियर पावर अगर गैर मुस्तहकम होता है और 180 मिलियन पीपल गैर बहुत तकलीफ़ में होते हैं और वहाँ मिलिटेंसी बढ़ती है, तो वो तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। तो किस कौन ऐसा मुल्क है जो कि ये चाहेगा कि इस किस्म के हालात पाकिस्तान में हों? तो मैं तो समझता हूँ कि हमें बिल्कुल दयानतदारी से और संजीदगी से अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको फ़ेस करना चाहिए, और पाकिस्तान के लोग आवाम में इतनी क़ुव्वत है और उन्होंने हमेशा ये दिखाया है कि जब कभी इस किस्म के चैलेंजेस हुए हैं तो वो अगर उनकी को अच्छी क़्यादत मिली है तो उन्होंने हमेशा उन चैलेंजेस को उबूर करने में कामयाबी हासिल की है, और कोई वजह नहीं है कि इवन इस वक्त जबकि दुनिया हमारे बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त बहुत मतलब ये कि डिस्पोंडेंट हो गए हैं, बहुत मायूस हो गए हैं, लेकिन ये मायूसी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ क़यादत के ऊपर इस वक्त भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सिविल सोसाइटी और दूसरे जो हमारे ग्रुप्स हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम वाकई में आगे बढ़ें और चैलेंजेस को जिस जो हकीकत है उसको फेस करें। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपने आज हमें अपना वक्त दिया एट दिस लेट आवर। थैंक यू वेरी मच सर। मार्टिन ने नाट्सीस के हवाले से ये कहा था, जनरल मसूद ने भी अपना आखिरी नुक्ता यही कहा कि हमारा काम है बोलना, हमारा काम है करना। मार्टिन नेम्यूलर ने नाट्सीज आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले वो सुर्खों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सुर्खा नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और उस तक कोई बोलने वाला बचा नहीं था। हमें बोलना चलें, जिनका काम बोलना है वो बोलें, जिनका काम सोचना है वो सोचें, जिनका काम करना है वो करें, लेकिन करना पड़ेगा। और ये आप जिद्दारी साहब, रहमान मलिक, स्टार वॉर्स साहब और पीर साहब के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आपने वी हैव टू गेट आर हाउस इन ऑर्डर, दी एनमी इज़ विद इन। अगर हम 5 कमरे के घर में रहते हैं तो 1 कमरे में हमारे दुश्मन इस वक्त बैठे हुए हैं, 2 कमरों में शायद बैठे हुए हों, हमें पता नहीं है। अगर इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई कि हमारे ऊपर क्या असर है, तो आप बजट कल आ रहा है उसके साथ कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जलजला आया था पाकिस्तान में, तो उमर अयूब वसीफरस स्पीकर काफ़ी शोर मचाते हुए एक बजट स्पीच में कहा था कि स्पीकर साहब पहाड़ हिल गए लेकिन हमारी मीशत नहीं हिली, 8% से बड़ी है। और कल एक बहुत ही मीक हफीज शेख साहब अपोलोजेटिकली बताएंगे कि गरीब दोस्त बजट शायद अगले साल आ जाए, इस साल हम ये कटौती कर रहे हैं, सेहत में कटौती कर रहे हैं, तालीम में कटौती कर रहे हैं, ये सब सैलाब की वजह से है। ये हमारे नतज हैं, ये हुआ है, ये जंग हमारी हो या ना हो उसके नुकसान तो हमारे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SMH@CNBCPakistan.com पर अपनी राय से हमें आगा कीजिए।